हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं बस में बैठा हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। आनंद विहार से मेरी ट्रेन है शाम 6 बजे की। तो अब मैं इस बार बस से जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि बस का क्या रूट है। हम आपसे मिलेंगे अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन। हमने पली चौक से बस ली है और आनंद विहार जाने के लिए इसको हम बोटेनिकल से चेंज करके दूसरी बस लेंगे, फिर वहाँ से आनंद विहार जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुके हैं। यहां से हमारी ट्रेन 6 बजे है और जैसा कि इस चैनल का नाम है द बागी ब्लॉगर हर्ष, तो मैं बता दूं आप सबको कि मैं जिला बलिया से हूं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक टाउन है। चंद्रशेखर आजाद जी वहीं के थे। तो आज हम बलिया दिल्ली हम सफर एक्सप्रेस में ट्रेवल करेंगे, जो कि 6 बजे है यहां से आनंद विहार से, और कल सुबह 10 बजे वो बलिया पहुंचती है। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 हम सफर एक्सप्रेस। और आप सबके लिए, जो जो दर्शक देख रहे हैं, उसके लिए सरप्राइज, हमारी दोनों बहनें आज हमारे साथ ट्रैवल करेंगी बलिया। ये हैं आप अपना इंट्रो दीजिए। हाय, इट्स अभिषाक्षी सिंह एंड खुशी। हाय। सो वी ऑल सी विल बी ट्रैवलिंग टू बलिया स्टेशन एंड वी विल रीच टुमारो एट 10 AM। सो बने रहिए वीडियो में और मजे करते रहिए हम लोग। आगे और मिलेगा, आगे और मसाला मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आनंद विहार रेलवे स्टेशन हम छोड़ते हुए और अगला स्टेशन हम आपको सुबह मिलेंगे, क्योंकि कानपुर और प्रयागराज में आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। तब नेक्स्ट स्टेशन पे मिलते हैं और ट्रेन में जो एक्टिविटीज हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस, पहली बार मेरे व्लॉग में मेरी बहन, जो कि मेरे साथ बलिया ट्रेवल कर रही है, और पहली बार हम होममेड नाश्ता करेंगे। हर बार तो ट्रेन का खाते हैं, इस बार होममेड नाश्ता। जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देख सकते हैं, अब हम मैगी खाएंगे और जो कि मेरे मौसी ने बनाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग को वो देखेंगी, तो यहीं से धन्यवाद करता हूँ और हम खा के बताते हैं कि मैगी कैसे बनी। तो जनता, अब हम कर रहे हैं खाना, खा रहे हैं, डिनर का टाइम हो चुका है। ये मेरी बहन पूड़ी और गोभी की सब्जी, जो कि मौसी ने बनाया है और बहुत ही शानदार बना है। खाने का एक्सप्रेशन देख के आप समझ सकते हैं। और ये मेरी और साक्षी दोनों की छोटी बहन, ये पूड़ी और सब्जी खाते हुए, और ये है मेरी प्लेट। तो खाने का, इस खाने का रिव्यू तो आप दोनों को बहनों ने दे दिया, बहुत सही बना है, तो मेरे देने की जरूरत है ही नहीं जब इन दोनों ने बना दिया। तो दोस्तों, अब हम डिनर करते हैं, आपसे रात में कुछ दिखाने वाला होगा तो हम दिखाएंगे, नहीं तो हम आपसे मिलेंगे सुबह। तो हम तीनों भाई बहन डिनर कर चुके हैं, अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। अभी बिस्तर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम आपसे मिलेंगे सुबह। या और कुछ दिखने को मिलेगा, मेरी नींद खुली तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो हम अब मिलेंगे सुबह। सुबह मोस्ट प्रोबेबली आपको जौनपुर में हम मिलेंगे, या तो वो नींद खुली तो कानपुर में 12:30 बजे ट्रेन पहुंचेगी तो वहां मिलेंगे। और प्रयागराज में दिखा चुका हूं, बट 3:30 बजे प्रयागराज का थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखा दूंगा, बिकॉज संगम माघ मेला लगा है, उसका ग्लिम्स दिखाने का ट्राई करूंगा, अदरवाइज सुबह हम मिलते हैं। अब हम सबके तरफ से बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे, सुबह मिलते हैं। और आज का हमारा ये बिस्तर रेडी है। तो हमारी 3 बर्थ है, 2 लोअर 1 मिडिल। तो आज हमारा बेड वही है, घर से बाहर, हॉस्टल से बाहर, किसी के लिए घर से बाहर, किसी के लिए हॉस्टल से बाहर। Oh, oh, oh.
तो फ्रेंड्स अब हम गाजीपुर पहुंच चुके हैं और इसके बाद हमारा स्टॉपेज है बलिया, जो कि 10 बजे का टाइम है, बट यहां से 1 घंटे लगेंगे। देखते हैं, अभी तक तो ट्रेन बहुत अच्छी चल रही है, बिफोर टाइम और राइट टाइम चल रही है। बाकी ये गाजीपुर है और 1 घंटे में यहां से 1 घंटा लगता है बलिया। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, बीच में गिराएगी ना। तो गाइस ये देखिए हमारी दिल्ली से बलिया हम सफर, जो कि गाजीपुर के बाद बहुत लेट चल रही है। और एक नया तरीका मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रैक्टर को ट्रैक पे कैसे चलाते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में। भैया कह रहा तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा बलिया जिले में। तो ट्रेन तो लेट हो गई है दोस्तों, गाजीपुर तक सही आई थी, उसके बाद हो गई है ट्रेन लेट। बट ये मैंने आपको दुनिया का 8वां अजूबा दिखाया कि ट्रैक पे ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। और ये चितपड़ा गांव में हमने ये देखा ट्रैक पे ट्रैक्टर कैसे चलते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली बलिया पहुंच गए, 2 घंटा 15 मिनट लेट हो गई ट्रेन गाजीपुर के बाद। और ये हमारा छोटा सा भाई आया है मेरे को पिक करने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका भी चैनल आप लोग थोड़ा प्यार दीजिए मेरे भाई का। जब हम वैष्णो देवी गए थे तो भाई ने धुआंधार ब्लॉगिंग की थी, धुआंधार ब्लॉगिंग की थी भाई ने। इसके चैनल का सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, इसके सब्सक्रिप्शन चैनल को आप भी लाइक करके प्यार दीजिए, ऐसा आप उनको देते हैं। भाई को देखते ही मैं इंस्पायर होकर ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देख सकते हैं बलिया स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और निकल रहा हूं। तो चलिए सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे से ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।